नमस्कार बाल मित्रांनो, आपण अभ्यासत आहोत आधुनिक भारताचा इतिहास। आधुनिक भारताचा इतिहास अभ्यासताना आपल्याला काही इतिहासाच्या साधनांचा वापर करावा लागतो। त्यामध्ये भौतिक साधने, लिखित साधने, मौखिक साधने यांचा वापर करावा लागतो। तर मौखिक साधनामध्ये आपण या ठिकाणी पाहत आहोत ध्वनिमुद्रिते म्हणजेच रेकॉर्ड्स। ध्वनिमुद्रिते हे श्राव्य साधन आहे। श्राव्य साधन म्हणजेच काय? तर बालमित्रांनो, ज्या साधनाद्वारे आपल्याला ऐकून माहिती मिळते त्या साधनाला श्राव्य साधन असे म्हणतात। मग आधुनिक भारताचा इतिहासाच्या काळातील म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व चळवळीच्या काळातील माहिती आपल्याला समजण्यासाठी त्या ठिकाणी त्या काळातील काही राष्ट्र पुरुषांचे नेत्यांची भाषणे उपलब्ध आहेत, काही गीते उपलब्ध आहेत। तर या ठिकाणी सुभाषचंद्र बोस यांचे एक भाषण त्या ठिकाणी तंत्रज्ञानावर उपलब्ध आहे, ते भाषण आपण ऐकूया। श्री राजधारीजी बोस पूर्वी एशिया की जंगे आजादी की नुमाइंदो बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दीदी इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी एशिया की जंगे आजादी के नेता बनाया इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अब ये वक्त नहायत नाजुक है, मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ, लेकिन नहायत नम्रता के साथ और खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत, वो जोश और वो बहादुरी दें जिससे हम अपने हमवतनों की पूरी पूरी मर्जी के मुताबिक लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को आजादी कर ये काम अगर करना है, इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कायम करना है तो हिंदुस्तान के पास होगा सकता है अंदर नहीं। और अब देखेंगे कि दुनिया की तारीख में ये नई बात नहीं है, दूसरे इंकलाब ने इस जंग में देखो स्वैत ने क्या किया था, उन्होंने पेरिस और लंदन में जाकर पहले मरतबा उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को कायम किया और इसका सब मैं मिसाल में कह सकता हूँ। इस तारीख की कुछ नई चीज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख एक नई बात और हमारे हमदनों को यह बताया जाएंगे कि ये काम तुम्हारे लिए करना है, लेकिन क्योंकि अंदरूनी हार कहती है नहीं कर सकते, हमें करना है। लेकिन इस आर्य हुकूमत का मकसद क्या होगा? सिर्फ लड़ना और हिंदुस्तान को अलग करना। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम रहेगा, फाइटिंग प्रोग्राम, लड़ाई का इंतजाम करना, लड़ाई शुरू कर देना और कामयाब करना लड़ाई। जब हम फिर लाल किले देरी में जाकर वह हमारे विक्ति परेड करेंगे, यह रास्ता की हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी उठाना है, सब रुकावटी का सामना करना है, आप इनमें कामयाब करेंगे। इस रास्ते में हम सारी हम सब गुलाम हैं, पर आपने यहां है क्या? हमारे रास्ते में आएगी खूब प्यार तकलीफें दीपते मौत, कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो, कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। भारत माता की जय।